आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में, जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चौहान। तो दोस्तों, अभी कल जो वीवो की तरफ से Z1X लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च इवेंट में उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा क्या कहा गया था जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा हिंदी में। तो अगर आपको जानना है कि उस लॉन्च में उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा क्या कहा गया था, वो भी हिंदी में आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूँ ठीक अभी। और ये हैं निपुण, और ये डायरेक्टर ऑफ ब्रांड स्ट्रेटजी वीवो इंडिया के हैं। और ये देखिए कुछ अलग तरीके से इसे लॉन्च कर रहे हैं, और चलिए हम भी इसे शुरू करते हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो जी का मतलब होता है जैन जी, मतलब जो यूथ होते हैं, अभी चाइना से वर्ड उठाया इन्होंने, तो चलिए हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। और ये बता रहे हैं कि Z1 Pro जो इन्होंने लॉन्च किया था, उसकी सेल जब भी लगती थी तो वो बिक जाता था। तो इन्होंने कहा है कि Z1 जो X है वो उसका बड़ा भाई है, उसमें उससे ज़्यादा फीचर और काफ़ी बेहतर ये फ़ोन है। तो चलिए हम देखते हैं क्या बात है इसमें। और ये बोल रहे हैं कि Z1 X का मतलब यहाँ पर होगा बिगर, बेटर और अपग्रेडेड फ़ोन, जो ऑब्वियसली Z1 Pro से है। अब यहाँ पर हमें राजीव मखनी हैं, जो आप सभी जानते हैं सेल गुरु, टेक रिव्यूअर, और ये इस फ़ोन को लॉन्च करेंगे। और राजीव मखनी कहना है कि ये भी एक विनर फ़ोन है। अब ये देखिए, ये अनबॉक्स भी यहाँ पर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर एक छोटा सा जो पाउच मिलेगा, उसमें आपको ये कवर मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं काफ़ी अच्छा कवर है। अब यहाँ आपको फ़ोन मिलेगा, और यहाँ पर ये देखिए ख़ास चीज़ जो है, जो मैं पसंद करता हूँ, ये है हेडफोन, और ये आपको वीवो के साथ ही मिल जाएगा बॉक्स में ही। अब ये चार्जर है, और यहाँ आपको USB टाइप सी केबल भी मिल जाती है। और ये जो चार्जर है 22.5 वॉट का चार्जर है, जो आपको बॉक्स में मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और यहाँ पर देखिए इस चार्जर के बारे में बता रहा है, ये है वीवो का फ्लैश चार्ज 22.5 वॉट का सुपर पावर का, जिसमें टाइप सी का जो चार्जर केबल होती है। और साथ में आपको ये बोल रहे हैं कि 5 मिनट में चार्ज, करीब आपको 3 घंटे का टॉक टाइम के हिसाब से ये चार्ज कर देता है। और यहाँ पर आपको 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन है वो सुपर अमोलेड स्क्रीन मिल जाएगी, जो कि 6.38 इंच की है, जिसमें आपको ड्रॉप नॉच या फिर ड्यू ड्रॉप नॉच मिलेगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन रेशो जो है 90% का है, और ये है फुल HD+ का सुपर रेजोल्यूशन। और जो इसका ग्लास प्रोटेक्शन है, ये गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट सेंसेशन बोल रहे हैं ग्लास है, जो गोरिल्ला ग्लास जैसा टफ ही होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर टफनेस भी ग्लास में आपको दे रखी है, प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिलता है, क्योंकि सुपर अमोलेड यहाँ स्क्रीन है। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसके एनिमेशन भी मिल जाएंगे स्क्रीन लॉक के। और यहाँ पर एंटी फ्लिकर ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, घंटों मोबाइल को देख देख कर बस मोबाइल को ही देखते रहो, उस वजह से इन्होंने एंटी फ्लिकर का यहाँ पर मोड दिया है। और ये देखिए, आप जब इस मोड को यहाँ से ऑन कर देंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लिकर का है, और दूसरा क्या करता है, फ्लिकरिंग स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से आपके आँखों को तकलीफ नहीं होती। खैर, ये बोल रहे हैं कि आप 24 घंटे देखते रहो। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मतलब सपोर्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से आप सीमलेस स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं HD में। और इसमें डार्क मोड भी दे रखा है, जो मुझे तो काफ़ी पसंद आता है, जिसकी वजह से बैटरी कम लगती है। और यहाँ पर देखिए, जो रेयर में ट्रिपल रेयर कैमरा दे रखा है, साथ में LED फ्लैश लाइट है, और जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी IMX582 का सेंसर लगा हुआ है, जिसका एपर्चर है f का 1.79, जिसमें 6P लेंस मॉड्यूल है। और यहाँ पर देखिए कुछ सैंपल दिखा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जब आप फ़ोटो इसमें खींचते हैं, तो उसके बाद आप बोके को एडजस्ट भी कर सकते हैं बाद में, स्लाइड करके देखिए कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब उसकी फोकल लेंथ जो है उसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये बता रहे हैं नाइट मोड का, सुपर नाइट मोड जो फीचर है उसको, उसका सैंपल। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रखा है, और इससे क्या होगा, जैसे आप सेल्फी वगैरह जो बोके, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने साथी को भी ब्लर कर सकते हैं।
अब यहाँ पर इसमें सुपर वाइड एंगल भी दे रखा है जिसमें 120 डिग्री का सुपर वाइड एंगल दे रखा है। अब लाइव पिक्चर मोड में क्या होता है, जैसे देखिए फोटो खींचेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे सही में लाइव है। और ये बोल रहे हैं कि इसकी 4K की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये दूसरों से काफ़ी बेहतर तरीके से करता है। और यहाँ पर अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं तो इसमें आता है स्नैपड्रैगन 712 AI चिपसेट लगता है, जिस जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और इसमें काफ़ी सारे बूस्ट सिस्टम भी दे रखे हैं। स्नैपड्रैगन 712 से कोई भी आपको लैगिंग नहीं होगी, आपको परफॉर्मेंस कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये 712 AIE वाला है जिसमें 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड का CPU लगा हुआ है। और इसमें क्वालकॉम एड्रेनो का 616 का GPU लगा हुआ है। और ये गेमिंग के लिए काफ़ी बेहतर बता रहे हैं। वैसे गेमिंग के लिए 730G आ चुका है, लेकिन फिर भी अब इसमें जो रैम है वो LPDDR4X की लगी हुई है और जो इसका स्टोरेज है वो UFS 2.1 को सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से ये जो जितने कैमरा आगे बढ़ते जाते हैं और जितने गेमिंग की फास्ट होती जाती है तो आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टी टर्बो का ऑप्शन भी दे रखा है। तो मल्टी टर्बो में देखिए सबसे पहला है सेंटर टर्बो। ये क्या करता है कि प्रोसेसर और रैम की जो कॉम्बिनेशन को काफ़ी अच्छा करके आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। AI टर्बो तो पता ही है कि इम्प्रूवमेंट करता है और जो आपके जो ऐप्स यूज़ करते हैं उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर देता है। फिर नेट टर्बो में क्या करता है कि नेट कनेक्टिविटी को ये काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कूलिंग टर्बो में ये इसका टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करेगा और गेम टर्बो में आपको स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। और देखिए यहाँ पर ये फ़ोन इस तरह से वाइब्रेट भी करता है जिस तरह से आप गेम खेलते हैं, तो 4D वाइब्रेशन है इसमें जिसकी वजह से आपको बिल्कुल वहीं के जैसे होने का फील होता है। अब यहाँ पर साउंड लोकलाइजेशन भी दे रखा है जिसकी वजह से आपको जो गेमिंग है ये काफ़ी अच्छा आपको बेहतर एक्सपीरियंस होता है। और ये बोले जो मैं मुझे मोड अच्छा लगा कि मैं गेम इतना ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर डू नॉट डिस्टर्ब मोड में जैसे डाल दिया जाए तो आप सिर्फ़ और सिर्फ गेम खेल सकते हैं, आपको अब कोई डिस्टर्ब करने नहीं वाला है। और यहाँ पर बोल रहे हैं जो भी पबजी लवर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि ये फ़ोन सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि देखिए पबजी ने यहाँ पर ये इन्हें ऑफिशियल स्मार्टफोन बना दिया है, पबजी मोबाइल क्लब ओपन फॉल सीजन 2019 के लिए। और ये बोल रहे हैं कि वीवो Z1 और राजीव मकनी का कहना है कि वीवो Z1 प्रो जो था वो काफ़ी अच्छा फ़ोन था, लेकिन ये उससे कहीं बेहतर है वीवो Z1X। अब ये पूछ रहे हैं इसकी प्राइस क्या है, अब ये इसके वेरिएंट बता रहे हैं पहले। अब यहाँ पर ये दो कलर में मिलेगा आपको, फ्यूजन ब्लू और फैंटम पर्पल। और यहाँ पर दो मेमोरी वेरिएंट में मिलेगा, 6 और 64 में, और 6 और 128 में यहाँ पर ये दो वेरिएंट में मिल जाएगा। 664 की जो प्राइस है वो है 16,990 रुपये और 6 128 GB का वेरिएंट का प्राइस है 18,990 रुपये। और यहाँ पर दो और ऑफ़र दे रखे हैं। तो पहला जो ऑफ़र है वो HDFC बैंक की तरफ से आपको 1,250 रुपये का ऑफ मिलेगा कार्ड एंड EMI ट्रांजेक्शन पे, और आपको 6,000 का जियो की तरफ से कुछ ऑफर मिल रहा है। The sale starts from 13 September at 12 noon on Flipkart and Vivo.com. तो दोस्तों ये तो था Vivo की तरफ से Z1X जो फुल्ली लोडेड फ़ोन बता रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि ये जो Vivo का Z1 Pro था उससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये फ़ोन आपको कैसा लगा? तो इस फ़ोन के बारे में कुछ भी बातें अगर आपको और जानना है और इसके स्पेसिफिकेशन अनबॉक्स देखना है तो मेरे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। लेकिन आपको जो भी बताना है कि आप इस फ़ोन के बारे में अब तक क्या समझ पाए हैं, आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो ज़रूर कॉमेंट में लिखिए, मैं जानना चाहता हूँ प्लीज़। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके काम की वीडियो, आपके फायदे की वीडियो और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते ही रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो आप मेरे अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।